दोस्तों आज मैं बहुत आहत और दुखी हूँ। क्या वाकई में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या करने की साजिश रची जा रही थी? क्या पूर्व में प्रधानमंत्री रह चुके राजीव गांधी जी की हत्या की गई, इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई, क्या इसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी की हत्या करने की साजिश की जा रही थी? ये अपने देश के लिए बहुत ही शर्मनाक और दुखद घटना है। क्या नक्सलवाद इतना ज्यादा ताकतवर है कि देश के प्रधानमंत्री तक को टारगेट करते हैं? क्या ये एक कोई नया सगुफा या कोई प्लान है? दोस्तों आप मेरा चैनल मोटिवेशनल चैनल बाय BNY देख रहे हैं और आप अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें ताकि नया नया वीडियो प्राप्त होते रहे। देश में क्या हो रहा है? जात पात दलित पिछड़ा अगड़ा तरह तरह की बातें हो रही है। देश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठ रहा है और जनता ये सोच रही है कि आखिर हो क्या रहा है। भाजपा सरकार 4 साल में केवल कांग्रेस सरकार की नाम लेती है, आलोचना करती है, कांग्रेस सरकार उसकी आलोचना करती है। जो मूल बातें हैं, जो देश के अखंडता और लोकतंत्र के लिए खतरा नक्सलवाद है, तो नक्सलवाद जड़ से कैसे खत्म हो, इस विषय में बातें होनी चाहिए। अगर है तो यूपीए सरकार में भी प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ने इस बात का जिक्र किया था और नरेंद्र मोदी जी ने भी जिक्र किया है, लेकिन प्रश्न उठता है क्या नक्सलवाद में वो लोग शामिल थे जिन 5 लोगों को कल रात में गिरफ्तार किया गया महाराष्ट्र पुलिस द्वारा? क्या वे वकील, पत्रकार, समाज सेवक, ह्यूमन राइट के लिए लड़ने वाले बड़े बड़े विचारक शामिल थे या यह एक षड्यंत्र या साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया? ये पूरे भारत की जनता जानना चाहेगी। और 9 महीना पहले महाराष्ट्र भीमा गोड़े गांव में हुई घटनाओं से जोड़कर इन 5ों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें गिरफ्तार करने का खेल खेला गया या हकीकत में गिरफ्तार हुए तो क्यों हुए, ये पुष्टि नहीं हुई है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पुलिस के पास साक्ष्य संतुष्टिजनक नहीं है, इसलिए पुलिस को रिमांड में इन 5ों को नहीं दी जा सकती। आप जवाब दो, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस दी गई है कि आप 4 तारीख तक जवाब सबमिट करो और 6 तारीख को सुनवाई की जाएगी, तब तक राहत देते हुए अपने अपने घरों में 5ों नजरबंद रहेंगे, ये राहत दी गई। तो क्या मामला है, क्यों पुलिस इस तरह लुंज पुंज काम करती है? क्या नक्सलवाद में शामिल ये लोग थे तो आपने पुख्ता सबूत क्यों नहीं इकट्ठा किया? और 9 महीना पहले की घटना से जोड़ा गया, उस घटना में दलितों और पिछड़ों के साथ जबरदस्त हिंसाएं हुई थी और उस हिंसा में दलित पिछड़े मारे गए थे, उस घटना से 9 महीना बाद जोड़ा जाना, क्या ये राजनीति द्वेष का परिचायक है या हकीकत में वो लोग नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले प्रचारक हैं? ये भारत की जनता जानना चाहेगी पुलिस से और भारत सरकार से। ये साबित करना होगा पुलिस को और भारत सरकार को कि कहीं जनता के ध्यान भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा रचना तो नहीं किया। और ये कहा जाता है कि
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या, पूर्व में राजीव गांधी जी की हत्या जिस प्रकार की गई, उस प्रकार की जाने की योजना बनी थी, ऐसा पत्र मिला है। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी की हत्या की साजिश रची गई थी, तो फिर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंतिम यात्रा में 4 किलोमीटर तक प्रधानमंत्री जी पैदल चले, क्या उनके जान का खतरा नहीं था? एसपीजी ने क्यों उन्हें 4 किलोमीटर तक चलने दिया? और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व में जब उन्हें मालूम था तो क्यों नहीं बैठक कर इस विषय में बड़ा फैसला लेने का काम किए? बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की हत्या की साजिश रची गई और ये 5 शामिल थे नक्सलवाद में, और इन 5 के खिलाफ आप पुख्ता सबूत नहीं दे पाते हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत मिल जाती है, तो नक्सलवाद या नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र और उस नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को क्यों नहीं चिन्हित किया जाता है, क्यों नहीं चिन्हित करके सजा दी जाती है? नक्सली आज देश के लिए घातक बने हुए हैं, तो क्यों बने हुए हैं, कौन दोषी है, ये प्रश्न उठता है। केवल टारगेट करने से कुछ नहीं होने वाला है देश में। प्रधानमंत्री जी को सोचना होगा, मोदी जी को, क्या नक्सली इतने बड़े पैमाने पर उनका नेटवर्क है कि अब आपकी भी जान लेने की वो लोग प्लान करते हैं? दोस्तों, इस विषय में सोचना होगा कि भारत की व्यवस्थाओं में क्या कमियां है। कहा जाता है ये पत्रकार, वकील, विचारक और बुद्धिजीवी हैं और कोर्ट से इन्हें राहत मिलता है, तो आखिर क्यों? ये प्रश्न आम जनता को सरकार से पूछना है। क्या सच है, क्या झूठ है, ये जांच का विषय है। लेकिन अभी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता दिखाई दे रहा है। क्या चूक भारत सरकार से हुई, या क्या चूक पुलिस से हुई, या जनता के ध्यान को भटकाने के लिए इस प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही है, क्या जनता के मांगों को पूरा नहीं कर पाने के कारण, चुनाव सामने होने के कारण कुछ ऐसा मुद्दा उठाने का प्रयास किया जा रहा है जो लोगों का ध्यान भटक जाए, ये भी एक प्रश्न है। प्रधानमंत्री जी को इस विषय में भी जवाब देना होगा। बहुत सारे विरोध हो रहे हैं इस विषय में, मैं और आगे और भी वीडियो देने का प्रयास करूंगा, जैसे जैसे समाचार मिलता रहेगा, अप टू डेट समाचार मैं अपने चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। मेरे प्रश्न का उत्तर आप जरूर खोजें, और नक्सलवाद क्या है इस विषय में भी जानना जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री या देश में जब न्याय नहीं मिलता है तो नक्सलवाद को बढ़ावा मिलता है, ऐसा कहा जाता है। क्या ये सत्य है या असत्य है, ये आप जनता को सोचना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।